हेलो, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी नंबर जो 100 से जस्ट ग्रेटर है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर आप विद इन फ्यू सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब जैसे कि यहां पर जो नंबर्स हमने लिया हुआ है, सो दिस नंबर था जस्ट ग्रेटर देन 100। तो यहां पर हम बेस जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी 100। यस, तो बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू विल बी नथिंग बट 100। मीन्स यहां पर हमें 100 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि अगर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है तो आपको करना क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर पहले तो हम दो ब्लॉक बनाएंगे, 1 और 2। राइट साइड का जो ब्लॉक है उसमें आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए, आपको 102 में जो लास्ट दो डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है। जैसे यहां पर 02 है, दैट मीन्स 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये जो राइट साइड का जो ब्लॉक है इसमें आपको हमेशा 2 डिजिट फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 जो है 1 डिजिट आ रहा है, तो आपको 2 डिजिट फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज अब 04 लिखेंगे। यस, नेक्स्ट 102 जो है वो 100 से कितना ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है। यस, तो 102 में हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 104। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 104 विल बी योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्लीज आप चारों एग्जाम्पल देखिएगा क्योंकि आगे के जो नंबर्स है उनमें जब 3 डिजिट आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। ओके, अब जैसे 109 का स्क्वायर आपको निकाला, अगेन लास्ट 2 डिजिट जो है उसका आपको स्क्वायर लेना है। तो 09, दैट इज 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर दो ब्लॉक होगा, तो राइट साइड का जो ब्लॉक है उसमें 2 डिजिट फॉर्मेट में लिखना है, तो 81 इज ऑलरेडी इन 2 डिजिट फॉर्मेट, सो 81 आपको लिखना। उसके बाद 109 जो है वो 100 से कितना ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, तो 109 में आपको 9 ऐड कर देना है, सो इट विल बिकम 118। यस, सो द आंसर इज 11881। ओके, अब लाइक 112 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, अगेन लास्ट 2 डिजिट जो है 12 उसका स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर इज 144। तो जैसे मैंने आपको बताया ये ब्लॉक में आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो 144 में हम सिर्फ 44 यहां लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 112 जो है वो 100 से कितना ग्रेटर है, 12। सो 112 प्लस 12 दैट इज 124, और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, सो दैट विल गेट एडेड, इट विल बिकम 125। सो द आंसर इज 12544। ओके, नेक्स्ट इज 125 का स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन लास्ट 2 डिजिट जो है उसका स्क्वायर लेंगे, सो 25 का स्क्वायर होता है 625। अगेन मैंने आपको बताया सेकेंड ब्लॉक में हमें सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना है, दैट इज 25 लिखेंगे, एंड 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नाउ 125 इज ग्रेटर बाय 25 कंपेयर टू 100। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 125 में हम क्या कर देंगे, 25 ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 150, एंड 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, सो इट विल बिकम 156। सो द आंसर इज 15625। यस, इसके लिए मैंने और भी एक ट्रिक बताया है कि कोई भी नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां ये वाले केस में आप वो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, एंड देन 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 13, तो 12 × 13 इज 156, सो द आंसर विल बी 15625। अब ये ट्रिक से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके इसको सॉल्व करिए, आई एम श्योर आपका जो कैलकुलेशन होगा वो काफी फास्ट हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प करेगा जो नंबर जस्ट 100 से ग्रेटर है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें अगर 100 से स्मॉलर नंबर्स है तो उनका स्क्वायर हम विद इन फ्यू सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने कुछ आज नया सीखा, कुछ आपने अच्छा सीखा, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स जानने के लिए, समझने के लिए और स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन आप हमारे चैनल के जो पुराने वीडियोज है वो देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारे ट्रिक्स सीखने को
मिलेगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।